हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए और एक मिनट लगाकर सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर की मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। एंड 3.4 एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, तो वो भी हम डिस्कस करके फिनिश कर देंगे, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से अब 3.4 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो अलग से 3.3 और 3.4 करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 3.3 देखते हैं। उसका 7th क्वेश्चन है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने आपको इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी उसमें बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फटाफट से इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, या तो कॉलम को रो में बदल दो या रो को कॉलम में बदल दो। तो हम कॉलम रो को कॉलम में बदल रहे हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं, सेम सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई इसमें चेंजेस नजर आ रहे हो, सॉरी ये क्या था हमारे पास, सॉरी बच्चों यहाँ पर आपके पास 1 था, तो आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट रो 1 माइनस 5 और ये आ जाएगा माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 और एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिसेस है वो एज इट इज वही आ गई जो मैट्रिक्स आपके पास स्टार्टिंग में थी ट्रांसपोज लेने के बाद। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। ऐसी ही बार सेकेंड पार्ट है, उसमें कहता है प्रूव करो कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी पहले आप ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज के लिए क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। अगर आप अब ध्यान देंगे तो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स पर क्या डिफरेंस दिख रहा है, अगर यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 हो गया। बेसिकली अगर हम इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लें तो जीरो का तो कोई साइन नहीं होता, खैर जीरो, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव 1 हो गया, ये नेगेटिव 1, ये जीरो, ये 1, ये 1, ये माइनस 1 और 0। तो अगर अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी माइनस ए। यानी यहाँ पर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए के। अगर ऐसा कभी भी होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है वेरीफाई करो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए इसके बारे में जज करने से पहले पहले इस मैट्रिक्स को निकालना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास एक बी मैट्रिक्स है और हमें चेक करना है कि बी मैट्रिक्स का नेचर सिमेट्रिक है भी या नहीं, क्योंकि वेरीफाई लिखा है। तो पहले बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गई ये, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है इसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, ये हो गया हमारे पास 14। अब हमें चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो चलो बी मैट्रिक्स मींस ए प्लस ए का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज, है ना। हमें इसी का नेचर चेक करना था, तो पहले इसको निकाला हमने, इससे एक मैट्रिक्स आई, हमें उसके बारे में चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो कभी भी किसी भी चीज को सिमेट्रिक चेक करना हो तो उस चीज का क्या लेना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोज, दैट मीन्स इसका आपको ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हमने इसे बी मैट्रिक्स निकाली, अब हम बी के नेचर के बारे में बताएंगे, बी का नेचर मतलब इसका नेचर। तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। तो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सेम है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इसमें ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया सेम। तो आप कह सकते हो कि ए प्लस ए जो ये वाला आपके पास मैट्रिक्स है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट, क्योंकि इसका ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स आ गई। सेम हमें ये चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये सी मैट्रिक्स है। अब सी मैट्रिक्स कैसे निकालनी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, फिर हमें सी का नेचर बताना है कि सी मैट्रिक्स कैसी है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1, 5, 6, 7 और फिर इसका ट्रांसपोज जो हमने पहले भी लिख दिया था 1, 6, 5 और 7। अब हमारे पास सी मैट्रिक्स आ रही है, बेसिकली ये मैट्रिक्स आ रही है, तो कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1 0, 5 में से 6 गया माइनस 1, दैट इज 1 0। अब हमें चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन या फिर सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलो ट्रांसपोज ले लेते हैं, फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन गई सेकेंड कॉलम। अब आप चेक करो, देखो साइन चेंज हो गए हैं बस, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जीरो तो खैर जीरो ही रहेगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये 1 और 0। तो आप चेक कर सकते हैं ये माइनस सी के इक्वल है, राइट। अगर ये माइनस सी के इक्वल आया दैट मींस ये क्या है, आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसा कि हमें जो है वेरीफाई करना था, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है कि ये मैट्रिक्स दे रखी है,
एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ निकालो, एक बार ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ निकालो, तो हम आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता दें। जैसे अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, अभी आप देखिएगा इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया आपके पास, जीरो ए बी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, देन माइनस ए जीरो सी, माइनस बी माइनस सी और जीरो, राइट। तो आपके पास जो ये वाला पार्ट होता है ना, अगर कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज देने पर सिमेट्रिक भी नहीं आ रही, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं आ रही, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर कर जो मैट्रिक्स आपके पास आती है उसे बोलते हैं पी मैट्रिक्स, वो 100% सिमेट्रिक होती है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक मैट्रिक्स आती है दैट इज क्यू मैट्रिक्स, वो 100% स्क्यू सिमेट्रिक होती है। यानी अगर आपको कभी भी किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हम मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज वो नहीं आता, ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर आपको उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो आप उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज प्लस करो, उसके सारे एलिमेंट्स को हाफ से इंटू कर दो, जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी उसे हम पी मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये पी मैट्रिक्स 100% सिमेट्रिक होती है। सिमिलरली ये ठीक है, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, फिलहाल हमसे ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमारे पास ए ए ट्रांसपोज तैयार है, एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जीरो प्लस जीरो कितना हो गया जीरो, ये आ गया जीरो, ये आ गया जीरो, फिलहाल यहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, फिलहाल के लिए हमारे सारे एलिमेंट यहाँ जीरो आ रहे हैं, तो अगर हम इसे हाफ से इंटू भी करते हैं तो भी ये मैट्रिक्स क्या रहेगी, ओके। अब ये हमने फाइंड आउट कर दिया, नेक्स्ट में हमसे कहता है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो मतलब हमें इसमें माइनस करना है, अब जीरो माइनस जीरो तो जीरो रहेगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा टू ए, ये कितना हो जाएगा 2b, सिमिलरली माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस टू ए, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू बी, ये हो जाएगा माइनस टू सी, और ये हो गया हमारे पास 0। अब इसे हम हाफ से इंटू कर देते हैं, सभी एलिमेंट्स को हाफ से इंटू कर दोगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी, और ये आ गया माइनस बी माइनस सी और जीरो। हमसे फिलहाल इतना ही फाइंड आउट करने को कहा था, हमने ये फाइंड आउट कर दिया, बट ये कंफर्म है आपके पास कि जो यहाँ पर मैट्रिक्स आती है पी वो सिमेट्रिक होती है, और जो ये मैट्रिक्स आती है क्यू वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो चलिए अब वो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें समझना ही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हर मैट्रिक्स का दो ऑप्शन क्रिएट होता ही होता है, यानी इस मैट्रिक्स से आपको एक पी मैट्रिक्स निकालनी है जो सिमेट्रिक होगी, और एक क्यू मैट्रिक्स निकालनी है जो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो वापस हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल दैट मैट्रिक्स इज ए, तो हमें क्या करना है, पहले पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जो सिमेट्रिक होनी चाहिए, क्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जो स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, और उनका सम वापस इस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो ये पी कैसे निकलता है, पी निकलता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो चलिए निकालते हैं हाफ। ए मैट्रिक्स क्या आपके पास 3 5 1 माइनस 1, इसमें हमें क्या प्लस करना है, इसका ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1, ये हमारे पास पी मैट्रिक्स तैयार हो रही है, कितना आ गया ये 6 6 6 माइनस 2। अब इसे हाफ से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 3 माइनस 1, ये आपके पास पी मैट्रिक्स आ गई। हमने कहा था पी 100% सिमेट्रिक होगा, चेक कर लेते हैं पी का ट्रांसपोज लेकर। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये फर्स्ट रो आ गई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो आ गई सेकंड कॉलम में, आप चेक कर सकते हैं ये पी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब पी 100% क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसने कहा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक निकल गई। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बारे में, तो क्यू निकलता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। तो ये हाफ है, बस यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या कर देना है, माइनस, तो 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा -4, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 2 -2 और 0, ये आपके पास क्यू मैट्रिक्स आ गई। हम ये कह रहे हैं कि क्यू हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी, चलो चेक कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लो 0 2 -2 0, आप देख सकते हैं इसके साइन चेंज हो गए हैं, दैट मीन्स यहां पर ये माइनस क्यू के इक्वल है। तो क्यू मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक है, और पी हमेशा सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक निकालने का प्रोसेस है मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो 100% एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से माइनस करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। और हमें क्या कहा था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम शो करो कि यही मैट्रिक्स आ रही है। तो पी मैट्रिक्स आपके पास ये थी, लिख दो 3 3 3 माइनस 1 प्लस
क्यू मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, 0 2 माइनस 2 0। चलो चेक करते हैं कितना आ गया, देखिए 3 5 1 माइनस 1। आप चेक कर सकते हैं यही मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ये पी मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स है, 3 प्लस 0 5, ये आ गया 1 और ये आ गया -1। बिल्कुल हमें सभी पार्ट्स में, इसके सभी पार्ट्स में सेम चीज करनी है, चाहे वो 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, चाहे 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। तो डियर इस क्वेश्चन में एक हमने फर्स्ट पार्ट लिया है 2 ऑर्डर 2 का, और एक थर्ड पार्ट लिया है 2 ऑर्डर 2 का। एक पार्ट 2 ऑर्डर 2 का बिल्कुल सेम होगा फर्स्ट पार्ट की तरह, और ये वाला 3 ऑर्डर 3 की तरह। तो आई होप आप वो बड़े आराम से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। इसमें भी अब आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो अगर हमें इसे सम दिखाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, दैट इज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, राइट, बी सॉरी यहां पर बी है तो बी ट्रांसपोज। तो एक काम करते हैं यहीं पर बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं साथ साथ, तो ये आ जाएगा 3 3 माइनस 1, -2 -2 1, -4 -5 1। तो हमें क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, बट पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 6, ये कितना आ गया 1, ये आ गया -5, -2 और 3 कितना हो गया 1, ये आ गया -4, ये आ गया -4, ये हो गया -5, दैट इज -4 एंड 2। अब चलिए पी मैट्रिक्स आपके सामने कैसे तैयार होगी, इसे हाफ से इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3, ये आ गया हाफ, ये आ गया -5 बाई 2, ये आ गया 1 बाई 2, ये आ गया -2, ये आ गया -2, दैट इज -5 बाई 2, -2 2। हमें पता है कि ये 100% सिमेट्रिक है, चेक कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज लेकर, चेक कर लेते हैं। देखिए 3, ये फर्स्ट रो को हम कॉलम में लिख रहे हैं, सेकेंड रो को कॉलम में लिख दीजिए एंड थर्ड रो को कॉलम में लिख दीजिए। आप चेक कर सकते हैं जो P ट्रांसपोज है वो P के इक्वल है, इसका मतलब P क्या है, आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक निकल आई, फिर हमें क्या निकालना है इसमें से, स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज हाफ B माइनस B ट्रांसपोज। तो चलिए हाफ लगा देते हैं और यहाँ पर B में से B ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं, 3 माइनस 3, ये कितना आ रहा है आपके पास 0, 3 माइनस की प्लस हो जाएगा, राइट। देखिए जब भी आपको कोई भी चीज़ का माइनस चाहिए तो उसके साइन चेंज कर दो, तो फिलहाल अभी हम कर सकते हैं क्वेश्चन में, इसको माइनस कर देते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, इससे आसान हो जाता है। देखिए 3 माइनस 3 0, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, -2 -3 कितना हो जाएगा -5, दैट इज 0, 6, -4 और 1 -3, ये कितना हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 0। अब इस मैट्रिक्स को हाफ से इंटू कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 0 5 बाय 2 3 बाय 2, -5 बाय 2 0 एंड 3, दैट इज -3 बाय 2 -3 एंड 0। अब आप इसका ट्रांसपोज लेके ये कन्फर्म करो कि क्यू वाक्य में स्क्यू सिमेट्रिक होती है, सिर्फ हमारे कहने से बिलीव मत करो, तो हमेशा पी सिमेट्रिक होती है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो चलो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये रो हम लिख रहे हैं कॉलम में, सेम थर्ड रो हम लिख रहे हैं कॉलम में, तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए सिर्फ साइन बदल गए हैं, यहाँ पे 5 बाय 2 पॉजिटिव का है नेगेटिव का हो गया, 3 बाय 2 पॉजिटिव का है नेगेटिव का हो गया, नेगेटिव का है पॉजिटिव का हो गया, दैट मीन्स जो क्यू ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, माइनस क्यू के इक्वल है। अब हमें क्या करके दिखाना है, हमारे पास सिमेट्रिक तैयार है, स्क्यू सिमेट्रिक तैयार है, इन दोनों का सम से वापस आपके पास क्या आ जानी चाहिए, बी मैट्रिक्स। तो पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ये वाली है ना, और क्यू मैट्रिक्स हमारे पास ये पी मैट्रिक्स है और ये हमारी क्यू मैट्रिक्स। अब हमें इन दोनों को प्लस करके चेक करना है कि वापस बी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए 3 प्लस 0 3, 1 बाय 2 और 5 बाय 2 कितना होगा 6 बाय 2, दैट इज बेसिकली 3, -5 बाय 2 और 3 बाय 2 कितना आएगा -2 बाय 2, विच इज -1, 1 बाय 2 और -5 बाय 2 कितना आ जाएगा -4 बाय 2, दैट इज 2, सॉरी -2। ऐसे ही -2 और 0 कितना हो जाएगा -2। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपके पास जो बी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था वो एज इट इज आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 10th क्वेश्चन में हर मैट्रिक्स से पहले पी मैट्रिक्स निकालनी है, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बी की। हर मैट्रिक्स से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दिस इज अ प्रोसेस। उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी। और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से माइनस करके हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगी उसका, राइट। अब आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्लस करोगे क्योंकि पी और क्यू मैट्रिक्स है, तो वापस आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाती है, राइट। चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके पास पहला एमसीक्यू है, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो हमें बताना है ये एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब हमें चेक करना है कि इसका नेचर क्या है। तो अगर हमें इसका नेचर चेक करना है,
तो हर बार सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए ट्रांसपोज तो लेना ही पड़ता है ना, तो हमने इस होल का ट्रांसपोज ले लिया। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज में क्या होता है, ये हमारे लिए ए हो गया, इस पर अलग ट्रांसपोज लगा देंगे, इस पर अलग ट्रांसपोज लगा देंगे। हमने पढ़ा था ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी। फिर हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज हो तो उसमें क्या होता है, ये आगे आ जाता है जो पीछे था और पीछे वाला आगे चला जाता है। सेम पहले हमने यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, अब ये वाली लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली यहां पर जो ये लास्ट में है ये पहले आ जाएगा और ये वाला चला जाएगा यहां पर। अब हमें गिवन क्या था कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो इसे क्या लिख देंगे हम बी, क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और उसको लिख देंगे ए। सेम यहां पर हो जाएगा ए बी। अब हमें जो एक्सप्रेशन है उसमें ए बी आगे चाहिए तो ए बी यहाँ पीछे है, तो क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्या होता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या बन गई, नेगेटिव। तो आपको खुद ही क्लियर हो गया कि ये वाला जो आंसर है जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये इसके इक्वल है। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज लिया जाए और नेगेटिव बाहर आ जाए तो वो क्या होता है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है अल्फा निकालिए। तो ए आपको दे रखा है, ए कितना है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, जो ये आपके पास फर्स्ट रो है ये आपकी कॉलम बन गई और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई, इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1। चलिए कॉस अल्फा कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, सेम यहाँ 0, ये हो गया 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। तो ऑन कंपैरिजन हमें समझ में आ रहा है कि 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल है, यानी कॉस अल्फा जो है वो 1/2 है। तो आपको पता होगा कि कब आपके पास कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास होती है 60 डिग्री पे 1/2। 60 डिग्री मतलब कितना होता है, π/3, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो आई होप आपको हमारे वीडियो यूजफुल लगे, अगर आपको हमारे वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग बग क्लासेस।